कोरोना के इस काल में जहां कई लोग कोरोना के कारण अपनी जिंदगी की जंग हार रहे हैं, तो वहीं देश का जवान भी कोरोना से अपनी जिंदगी की जंग को हार गया। तिरंगे में लिपटा ये भारत माँ का जवान है। देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के बनिहाल में दुश्मनों के इरादों को नेस्ता नाबूद करने के लिए डटा हुआ था। कड़ाके की ठंड में न जोश कम था न जज्बा। देश का ये जवान न तो मौसम की मार के सामने कभी कम पड़ा और न दुश्मनों के सामने। लेकिन सूबेदार रमेश चंद्र की बीमारी भारी पड़ गयी। बीमारी के साथ साथ जवान कोरोना की चपेट में भी आ गया। पहले तो जवान का कुछ समय तक इलाज करवाया गया, लेकिन आखिर में ये जवान कोरोना से जिंदगी की जंग हार गया। रमेश चंद्र जी अभी ड्यूटी पर ही थे अपना जम्मू कश्मीर के अंदर, और अभी 3 दिन पहले ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी ड्यूटी करते करते ही, तो वहाँ पर बस उनका। सूबेदार रमेश चंद्र को उधमपुर के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली। अब जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो सभी की आंखें नम हो गई। परिवार से लेकर गांव के हर सदस्य की आंखों में आंसू थे। गमगीन माहौल था। सेना के जवान ने राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटे हुए रमेश चंद्र को सलामी देकर नम आंखों से विदा किया। ऐसे सपूत, ऐसे महान उनके जो माँ बाप है जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया, मैं समझता हूँ कि ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है, और हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे राष्ट्रभक्ति के साथ जीवन हर व्यक्ति को जीना चाहिए, चाहे वो किसी भी कार्य में है, उसको राष्ट्र के लिए ही, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीना चाहिए। रमेश चंद्र जी को आज पूरा गांव, पूरा इलाका आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनकी शहादत को नमन कर रहा है, क्योंकि ऑन ड्यूटी वो ऐसे वातावरण के अंदर वो ड्यूटी, और ऐसे हर फौजी जिस तरीके से ड्यूटी करता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब जानकारी ऐसी मिलती है। तो आज हम सभी शहीद रमेश चंद्र जी को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहीद की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। ग्रामीणों के साथ साथ शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण भी पहुंचे। सबने भारत माता की जय के नारों के साथ सूबेदार रमेश चंद्र का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान पूरे गांव में मातम का माहौल था और सभी की आंखें नम थी। हिमांशु नारंग करनाल, खबरें अभी तक।